हाथी खोजुची घर ठिकना ए जगार से जगह बुलाऊ वन विभाग भुवनेश्वर पात्रपड़ा रु ट्रांकुलाइज हाथी को जंगले छाड़ी नेला बेले ग्रामवासी विरोध खोर्धा उपकंठ अधीनस्थ पटिया जंगले छड़ा जाता दंता हाथी को हेले वन विभाग हाइवे नेबा बेले अर्जुनपुर गाँ लोके रास्ता रोक करी प्रबल विरोध करिथिबा चित्र सामना को आसीथिला। गाँ लोके निज गाँ निकट जंगल रे दंता को छाड़ापी वन कर्मचारी को बारण करते दीर्घ समय धरी गाँ लोकों विरोध में ट्रांकुलाइज हाथी को धरी फेरी आसी वन विभाग गत काली विलंबित राति रे राजधानी रे प्रवेश करिथिला। दंता हाथी धान खाइबापी चंदका जंगल प्रथम खोर्धा एवं पर डेलांग पिपिली पलाउला दंता हाथी पर विलंबित राति रे धौली दे राजधानी रे प्रवेश करिथिला। ग्यारे छक दे लिंगराज मंदिर पर्यंत आसीथिला दंता पर यह सुंदरपदा दे पात्रपड़ा पहुँचीला आउ सेठारे हाथी को काबू करिथिला वन विभाग टीम। राजधानी रे हाथी प्रवेश करिबा परे वन विभाग टीम नाकेदम होइथिला। शेषे ट्रांकुलाइज पर जंगले छाड़ीबाकु नै मध्य वन विभाग कर्मचारी को नाकेदम हवाकु पड़ी। दर्शक बंधु यार भितर हाथी को ट्रांकुलाइज करा जाइछि एवं एसो भितर बड़ रोचक कथा आसुची जे हाथी खोजुची निजर घर ठिकना ए जगार से जगह को हाथी को बुलाऊ देखुवे जो भाई भाव चित्र जे हाइवा उपरे ट्रांकुलाइज होता हाथीटी रही वन विभाग दिन तमाम ए जगार से जगह को नौंती यार भितर गाँ लोके विरोध करी को से माने से जंगल रे छाड़ापी से माने नापसंद करुछंती हाथी को फेराई निय बोली किछि मध्य प्रतिवाद करुछंती जहाँ फल आज दिन तमाम हाथीटी चारियाडे बुलुची एवं हाथी खोजुची घर ठिकना। ये तमाम संक्रांत अधिक आलोचना करने आम सहित सामिल होती आम खोर्धा प्रतिनिधि रमेश अच्छा। रमेश यार भितर जे आम देखुचु हाथीटी घर ठिकना खोजुची एवं वन विभाग नाकेदम हलाणी सारा अंचल विरोधाभास चित्र आसुची कौन अपडेट ए बाबद्रे निर्देश जहाँ सूचना आप दौले तमाम देखिए भुवनेश्वर में तांडव रचवा पर जो ट्रांकुलाइज होती हाथी टांगी अभिमुख को जाता टांगीर जो रही पटिया जंगल छाड़ापी व्यवस्था करजुनपुर लोक मैंने विरोध करते से जो हाथी लोड हो जाए हाइवा आगे गस पकड़ विरोध करते पाखापाखि दुई घंटा धरी से हाथी रही है और परवर्त परिस्थिति में हाथी पुणी पुनर्वार फेरवाक चेषा करते वन विभाग और परवर्त समय जो नाली सिंह जंगल में छाड़ापी व्यवस्था करेठिकार जो ग्रामवास रही से विरोध प्रकट करते परवर्त परिस्थित वन विभाग को पुणी हाथी की फेरवाई व्यवस्था कर बर्तमान सुधा जहाँ देखुं आम जो जगार रोचु से हूँ केतकी झर जो रही केन्द्र चारा उत्पादन केन्द्र तार मध्य रखिंट हाथी की रखिंट हाथी बर्तमान जहाँ शुणा जाए सामान्य अस्तुस्थ अच्छी कहीं जिते बड़े से हाथी के आणुले से जो पाखापाखि जो पटिया जंगल पाखे हाथी मुंडे एक डाड़ बाजि जहाँकि सामान्य आघात बर्तमान हाथी टी नहीं जो सिंगुड़ी जो केतकी घर रखिं ता भर हाथी की खाद्यपेय कौन दबार व्यवस्था करवास्थ्य को कि देखिए तार व्यवस्था कर गेट को किभली कटा हाथी की बाहर की अंत्र स्थानातर करवस्था करके जिते हाथी यार भितर रही खबर शुणला पर स्थानीय लोक मैंने ये गेट पाखे जमा किभली भाव में हाथी की अंचल में छड़ान जाऊ कहीं बारंबार ये हाथी आक्रमण में अनेक दुर्घटना घटुवार नजर रही तेना हाथी जे क्योंटि की छाड़े और किए अवस्था छाड़े चिंतार वन विभाग बर्तमान अच्छी देखुं जे बर्तमान यो रही केतकी झर रही है केतकी झर में तार स्वास्थ्य परीक्षा करके देखुं हाथी की जो बंधा जा सूचना मिलू जहाँ भितर सूचना मिलू तार जो शिंखुरी कटा जा हाथी की छड़ी निर्देश देखु जे हाथीटी बर्तमान विपद अवस्था रही गोटे पटे ट्रांकुलाइज करा जाइछि दिन तमाम मध्य गाड़ी रे ताकु वन विभाग बुलाउछंती ए जगारु से जगह को किंतु ए सो भीतर आपण देखुथबे हाथी वंश लोप पाइबारे लागिछि एवं प्रत्येक दिन आमे खबर देखुचु जे हाथींकर मृत्यु कथा चित्र को आसुचि किंतु ए सो भीतर हाथी जीवन सबुठु बड़ मूल्यवान आ बड़ गुरुत्वपूर्ण तेणु एभली स्थिति रे वन विभाग कौन करिवो
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ କରୁଛି, ୱାଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେବେଳେ କାଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଏବଂ ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜିଂର ଅସୁସ୍ଥ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଏକ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି କି ପଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଡାଳ ବାଜିଥିବା, ଗଛର ଡାଳ ବାଜିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ହାତୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୋଉ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, କିଭଳି ବା ହାତୀର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଅନ୍ୟପଟରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ହାତୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, କେତୋଟି ଝରର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକକୁ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, କଟାକଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ, ତାପରେ ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ହାତୀକୁ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହୋଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରମେଶ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।